आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जो आज योजनाएं बना रहे हैं उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और थोड़ा मन आज आपका अकारण चिंतित हो सकता है, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, माता का सुख भी आपको मिलेगा। और अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलेगी, सफलता मिलेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। और सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आज जो भी कार्य कर रहे हैं सोच समझ के करें, जो भी नहीं कि कार्य शुरू करते हैं बीच में छोड़ दिए, तो ये ऐसा ना करें, जो निर्णय लें सही लें। और उपाय क्या करना है, भगवान शिव जी को सफ़ेद मदार अगर चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, सफ़ेद चंदन अर्पित करें और उनको दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से उनको जलाभिषेक कर सकते हैं। साथ में जब उनका मंत्र पढ़ लें, पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय, और से उनकी आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो शुभ अंक है वो एक है, और शुभ रंग है वो सफ़ेद है, और जो आपका लक मीटर है वो सात है। हरे कृष्ण।